हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एनटीए ने अपने सिलेबस को अपडेट कर दिया है और पेपर कोड जो है वो क्लैरिटी के साथ इस वीडियो क्लास में हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अमित सिंह आर्या है और आप सब मुझे जानते होंगे। ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया था मैंने, क्रैक्ट ऑल्सो DU LLB, और आपको पता है इस बार MSW और LLB का कॉमन एग्जाम हो रहा है, कॉमन पेपर ही देना होगा। तो जो बच्चे भर रहे हैं फॉर्म, उनके लिए मैं बहुत ही अच्छा मेंटर हूँ। ठीक है, पिछले कई सालों से हजारों बच्चों का रिजल्ट मेरे मेंटरशिप में हुआ है। ये MSW का सिलेबस है, डोमेन जिन बच्चों को भी पढ़ना है, अंडर 1000 रुपीज में आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, बहुत ही नॉमिनल फी पे। आपको किसी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं क्या सिलेबस का चेंज आया है और इसके लिए आपको कौन से पेज पे जाना होगा। और MSW की बात हम करेंगे और जनरल पेपर जो कंफ्यूजन चल रहा था उसके सारे चैप्टर्स हम देखेंगे और वो चैप्टर्स की हम यहाँ पे क्लैरिटी के साथ समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। पेपर कोड यहाँ पे दिया गया है COQP 1। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, वर्बल एबिलिटी या लैंग्वेज कंप्रिहेंशन, आप जो भी लैंग्वेज चूज करोगे, हिंदी या इंग्लिश, वो यहाँ पे होगा। जनरल नॉलेज अवेयरनेस होगा, कंप्यूटर बेसिक्स, लॉजिकल रीजनिंग होगा। अब यहाँ पे कंप्यूटर की क्लासेज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करोगे तो सारी चीजों को, आप जितने भी ये सिलेबस देख रहे हो या यहाँ पे जितने भी सिलेबस देखोगे सबका हम आपको नोट्स, ई बुक, सब चीज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, टारगेटेड बैच है हमारा, अभी से आप ज्वाइन करोगे, जम के पढ़ोगे, रिजल्ट पक्का होगा, भरोसे के साथ बैच ज्वाइन करो। अंडर 1000 रुपीज में आपको मिल जाएगा ये सारी फैसिलिटी। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस मिल जाएंगे, डेली वीकली टेस्ट होगा, डेली भी टेस्ट लेते हैं, वीकली भी टेस्ट लेंगे, मॉक टेस्ट हमने स्टार्ट कर दिया, स्टडी मटेरियल PDF, ई बुक, सब चीज आपको मिल जाएगा। जो हमारे टीचर्स हैं वो आपको देख सकते हो सामने, एंड आपको कोर्सेज जो अवेलेबल हैं वो ये सब कोर्सेज अवेलेबल हैं। आइए देखते हैं क्या सिलेबस है और क्या कह रहा है, क्या क्या चीजों की तैयारी हमें करनी पड़ेगी। पहली चीज है इंग्लिश ग्रामर में, हमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में, अगर आप इंग्लिश दे रहे हो तो ग्रामर देंगे, यूजेस ऑफ एरर, जंबल पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेज, ये आपको आएगा ही आएगा। हिंदी वाले बच्चों का यहाँ सिलेबस है, हिंदी व्याकरण, शुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठ बोधन, वाक्य की पूर्णता, समानार्थी, विलोम, मुहावरे, कहावतें, ये चीजें पूछी जाएंगी। जनरल नॉलेज और अवेयरनेस की बात करें तो लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटीज, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी। देखो इतना भास सिलेबस है, अगर आप डेडिकेटेड सिलेबस को पकड़ते हुए नहीं पढ़ोगे एग्जाम नहीं निकल पाएगा, मैं आपका एक साल वेस्ट हो जाएगा। अंडर 1000 ही पे करना है, आपकी मेंटरशिप तैयारी हर चीज उसमें अवेलेबल हो जाएगी, ज्वाइन कर सकते हो आप। कंप्यूटर बेसिक्स की अगर बात करें तो ये सिलेबस तो मैंने पहले भी दिखाया था और याद रखिए, अब कंप्यूटर हम यहां तक तो आपको पढ़ा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में कंप्यूटर की लिंक मिल जाएगी आई बटन पे, वहां से जरूर देखिए। और ये पूरा हम एक सेशन और अगला क्लास लेने वाले हैं, कल आएगी वो वीडियो। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट, इंटरनेट, ये सब इसमें, वेबसाइट, वायरस, ये सब चीजें पढ़ेंगे। जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग को अब एक साथ कर दिया गया। जनरल एप्टीट्यूड में क्लॉक्स, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑफ एजेस, LCM, HCF, ये सारे चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे हमारे पेड कोर्स में, टीचमेंट एप्लीकेशन है उन सब पे। पाइप सिस्टम, टाइम एंड वर्क सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक एंड शेयर, डिस्काउंट एंड बैंकर्स, है ना, ये थोड़े से हार्ड चैप्टर है इसमें जो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। मिक्सचर, एलिगेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, अब बताओ इसकी क्या जरूरत है यहाँ पे, बट दिया गया है, बदमाशी है। लॉजिकल रीजनिंग, रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सिक्वेंसिंग, स्टेटमेंट्स, आर्ग्यूमेंट, कॉज इफेक्ट, है ना, ये सब लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट है। ठीक है, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इसमें तो कुछ चैप्टर हमने पढ़ा दिया, इन्फेरेंस मतलब अनुमान, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, ये चीजें हैं। इसके बाद आपको COQPT 12 का सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि ये सिलेबस के बाहर आप कुछ भी मत पढ़ो। बुक्स कौन कौन सी इनके लिए जरूरी है, मतलब इस सिलेबस को कवर करोगे, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, बुक्स वाली वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर अभी तुरंत कमेंट करिए, हम वो बुक का नाम के साथ आपको बताएंगे, वो बुक का परचेज करके पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक कर दिया होगा आपने, थैंक यू सो मच।